Hi everyone, this is Sandeep Kumar and welcome to my YouTube channel Concepts Grab the Infinity. आज हम बात करेंगे लूनर एक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण के बारे में, खास तौर पर 5 और 6 जून को घटित होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। इस वर्ष खगोलीय स्थिति कुछ ऐसी है कि कुल 4 चंद्र ग्रहण देखने को मिलेंगे पूरे वर्ष में। पहला 10 जनवरी को घटित हुआ, दूसरा 5 और 6 जून को घटित होने वाला है, तीसरा 5 और 6 जुलाई और चौथा 30 नवंबर को। ये चारों चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण अर्थात पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स होंगे। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा सामान्य से थोड़ा गहरा दिखाई देता है। 5 और 6 जून को घटित होने वाला चंद्र ग्रहण 3 घंटे 18 मिनट का होगा। 5 जून को 11:15 रात्रि में यह प्रभाव में आएगा। 12:54 में इसका प्रभाव सबसे अधिक दिखेगा अर्थात यहाँ हम चंद्रमा को सामान्य से कुछ गहरा पाएंगे या धुंधला देख सकते हैं। और 6 जून को 2:34 में चंद्र ग्रहण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोलीय शास्त्र में 5 जून को घटित होने वाली चंद्र ग्रहण को स्ट्रॉबेरी मून एक्लिप्स का नाम दिया गया है। इसी प्रकार 5 और 6 जुलाई को घटित होने वाले चंद्र ग्रहण को थंडर मून एक्लिप्स कहा गया है और 30 नवंबर को घटित होने वाले चंद्र ग्रहण को फ्रोस्टी मून एक्लिप्स कहा गया है। 5 और 6 जून को घटित होने वाले स्ट्रॉबेरी मून एक्लिप्स के दौरान चंद्रमा का 57% भाग पृथ्वी के पेनम्ब्रा में होगा। चारों ही चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के पेनम्ब्रा में ही रह पाता है, इसी वजह से चारों चंद्र ग्रहण को पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स कहा गया अर्थात उपछाया चंद्र ग्रहण। आइए अब हम यह समझते हैं कि पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स आखिर होता क्यों। लूनर एक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, टोटल लूनर एक्लिप्स, पार्शियल लूनर एक्लिप्स और पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दशा में होते हैं और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर, इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो दो तरह की परछाई बनती है, एक होता है छाया, दूसरा उपछाया अर्थात अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। यदि चंद्रमा का कोई भाग पृथ्वी के अम्ब्रा यानी कि गहरी छाया में पड़ता है तो उसे टोटल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अगर चंद्रमा पृथ्वी के पेनम्ब्रा अर्थात उपछाया में पड़ता है तो उसे पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और अगर चंद्रमा का आधा भाग पृथ्वी के अम्ब्रा और आधा पृथ्वी के पेनम्ब्रा में पड़ता है तो इसे पार्शियल लूनर एक्लिप्स। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहे। थैंक यू सो मच।